मैं आगे बढ़ रहा हूँ यहाँ इस बिजनेस में आने से पहले के बारे में थोड़ी सी बात में बताना चाहूंगा, मेरी जर्नी इस बिजनेस में आने से पहले। और थैंक यू। नाम बीसी पाठक, बलू पाठक, रायपुर शहर से। और इस बिजनेस में आने से पहले मैंने पढ़ाई किया। पढ़ाई करने के बाद में एमकॉम की पढ़ाई करने के बाद में जॉब मैंने गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में लगभग 15 साल काम किया। और 15 साल काम करने के बाद में लगातार जीवन में समय बीतते जा रहे थे और सपने कहीं पूरे होते नहीं दिखाई दे रहे थे। इसी बीच जो है कि मैं बहुत ज़्यादा अपने लाइफ को लेके कॉन्फ्यूज रहता कि जीवन में कैसे आगे बढ़ना है, जीवन में कैसे सपने पूरे होंगे, इस तरह की बातें को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्फ्यूज रहा करता था। और इसी बीच हमारे ग्रेट कंपनी, दुनिया की नंबर वन कंपनी, वर्ल्ड की नंबर वन कंपनी को देखने का सुनने का मौका मिला। और मैंने सिर्फ आपका प्लान 2013 के अंदर देखा और 2013 के अंदर देखने के बाद इस व्यवसाय को मैंने करना चालू किया। और शुरुआत जो है कि बहुत शुरुआत मेरी बहुत कमजोर रही, क्योंकि शुरुआत मैं इस बिजनेस को जानता नहीं था, क्योंकि मतलब एक नया नया व्यवसाय, क्योंकि हम इस बिजनेस में आने से पहले क्या देखते हैं, अपने आस पास नौकरी करने वाले को देखते हैं, दुकान करने वाले को देखते हैं, खेती करने वाले को देखते हैं। तो उसी तरह की एजुकेशन को लेके मैं इस बिजनेस में आया, लेकिन ये बिजनेस नया था, सब कुछ सीखने का था। और मैं जब शुरुआत किया तो उस समय शुरुआत बहुत कमजोर रही, लेकिन उसके बाद जब मैंने इस व्यवसाय को लेके जब मैं आगे सीखना चालू किया तो यहाँ से जो चीजें यहाँ पे मुझे मिली है इस व्यवसाय के माध्यम से, और वो भी ये जो 8 स्टेप जो हमारे गुरुजन बताते हैं, आपको बताते हैं सर, 8 स्टेप जिसमें हमें इस स्टेप पे चल के काम करना पड़ता है और एक्साइटेड रहना पड़ता है। पहला, ड्रीम लिस्ट इनविटेशन सो द काम फॉलो 100% यूजर लीडर ये टीम प्लेयर। ये 8 स्टेप को फॉलो किया मैं, और सीनियरों की बातों को माना। और यहाँ से मैंने लगभग लगभग 90 लाख से ज्यादा का इनकम कर चुका हूँ, और साथ ही साथ देश विदेश की यात्रा कर चुका हूँ। साथ ही साथ यहाँ से मैंने कार के सपने पूरे किए, प्रॉपर्टी के सपने पूरे किए, और लगातार अपने साथियों के सपने को पूरा कराते जा रहा हूँ। तो इसमें आज जो है कि सबसे पहले इस बिजनेस के लिए जो होता है लिस्ट, ड्रीम के बाद लिस्ट होता है, लिस्ट के बारे में आप सभी से बातचीत करना चाहता हूँ। और हम इस व्यवसाय में आते हैं और हमारा सबसे पहला जो काम होता है, ड्रीम बनाना होता है, लिस्ट बनाना, लिस्ट के ऊपर मैं बातचीत करने वाला हूँ। तो सबसे पहला और महत्वपूर्ण काम होता है लिस्ट बनाना। एक सही सूची बना के हम इस व्यवसाय को करते हैं तो बहुत तेजी से हम अपने अपने व्यवसाय में बहुत तेजी से आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि हम कहीं ना कहीं क्यों क्योंकि हम कहीं ना कहीं जो लिस्ट बनाते हैं उसी में से डायमंड निकलते हैं, उसी में से डबल डायमंड निकलते हैं, और सारे लोग यहीं से निकलने वाले हैं। तो सबसे पहले लिस्ट को कैसे बनाएं, उसकी सूची को कैसे बनाएं, उसके बारे में आपके बीच आज बोलने का मौका मिला हुआ है, तो मैं अपनी बातों को रखना चाहता हूँ। सर, अभी स्क्रीन एकदम सही दिख रही है? अगर स्क्रीन सही दिख रही है तो एक बार ऐसे हाँ, करके फर्स्ट क्लास। सुनो, जी फर्स्ट क्लास पाठक साहब, सही दिख रही है। कंटिन्यू जी करें, थैंक कोई इश्यू होगा ना आई विल टेल यू। हाँ, यू थैंक यू सर थैंक यू थैंक यू। जी कंटिन्यू करें प्लीज। जी शाबाश। सबसे पहले जो लिस्ट बनाने का काम होता है, क्योंकि हम कोई सा भी काम अगर को सही तरीके से करना है, सही तरीके से उसको मतलब एकदम एक्यूरेट करना है, तो उसमें हमें क्या क्या जरूरत पड़ती है, लिस्ट की। जैसे कोई भी हम घर की सामान लेने जाते हैं, किराना का सामान लेने जाते हैं, शादी की खरीदारी करने जाती है, या किसी भी तरह की जो है कि हमें चीज़ों की मतलब मैनेज करनी जाती है, मान लो कोई पार्टी मैनेज करना है, कोई शादी मैनेज करना है, और भी कुछ खरीदारी करनी है, अभी जैसे पूजा का समय, पूजा का सामान लेने जाना है, तो हम क्या करते हैं, एक लिस्ट बनाते हैं, है ना, जो हम जीवन में बनाते रहते हैं। और लगातार उस ऐसे लिस्ट बना के हमें आज तक कोई फायदा नहीं मिला, बस वो चीज उस समय मैनेज से हो जाता है, अच्छे तरीके से हो जाता है, कि घर का सामान हम लेने गए, कोई भी सामान छूट जाता है तो हमें दोबारा नहीं जाना पड़े, हमारा समय
ना खाको, इसके लिए हम क्या डिश बनाते हैं, छोटी छोटी काम के लिए, छोटी छोटी वर्क के लिए जो है कि हम डिश बनाते हैं। और इस बिजनेस में आने के बाद हमें अपने सीनियर द्वारा मार्गदर्शन मिलता है कि हमें लिस्ट बनाना चाहिए, और लिस्ट लिस्ट जो है कि ज़्यादा नहीं, 100, 200 और 500 की लिस्ट बनाओ और फिर बनवाओ, लाइफ टाइम पैसा कमाओ। क्या ये किया जा सकता है? यस, क्योंकि एक बार अगर हम लिस्ट बनाते हैं, 100, 200, 500 की लिस्ट बनाए और फिर अपने आने वाले साथियों का लिस्ट बनवाएं और लाइफ टाइम पैसा कमाएं, तो कैसा रहेगा? बहुत ही बेहतर रहेगा। मैं देख पा रहा हूँ सभी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होकर आज के सेशन को सुन रहे हैं, तो मैंने भी वही वही काम यहाँ से किया कि शुरुआती मैंने लिस्ट बनाई प्रोस्पेक्टिंग, फिजिकल टू सस्पेक्टिंग, मतलब हर व्यक्ति की प्रोस्पेक्टिंग करनी है, हर व्यक्ति को हमें अपने लिस्ट में लाना है, क्योंकि इस संभावना को बिजनेस कहा गया। हमारे महागुरु जी लोग कहते हैं ये व्यवसाय जो है संभावनाओं का है, और कौन सा व्यक्ति आएगा कौन सा व्यक्ति नहीं आएगा हमें नहीं मालूम, इसलिए हर समय लगातार अपने लिस्ट को बढ़ाना चाहिए, लिस्ट को लिस्ट में हमें लोगों को लाना चाहिए। लिस्ट जरूरी, लिस्ट बहुत ही ज़्यादा जरूरी इसलिए है क्योंकि लिस्ट में अगर हम किसी व्यक्ति को छोड़ देंगे तो हो सकता है वो व्यक्ति को कोई दूसरा ले जाएगा, अपने टीम में ले जाएगा, और हमें यहाँ पे तकलीफ होने वाली है। नेटवर्क मार्केटिंग या लोगों का बिजनेस है नेटवर्क, हम जो व्यवसाय कर रहे हैं इसमें ये हमारा बिजनेस जो है लोगों का बिजनेस है, और ये लोग जो है यहाँ पे हमारे क्या है अनगिनत लोग जिसका नाम हम अपने लिस्ट में लिख सकते हैं और उनको इस व्यवसाय की जानकारी दे सकते हैं। आपको किसी का भी नाम लिखने के पहले उसकी इजाजत लेने की जरूरत है क्या? नहीं। किसी भी व्यक्ति की हम अगर नाम लिखते हैं तो क्या हमें उसकी इजाजत लेने की जरूरत होती है या कहीं से परमिशन लेने की जरूरत होती है? हर व्यक्ति का नाम हम अपने लिस्ट में लिख सकते हैं और उसमें और अपने अपने जीवन में कई बार कई प्रकार के लिस्ट बनाए होंगे आपने, हम सभी लोग अपने जीवन कई बार बताए होंगे, जैसे कभी छठी, जैसे कभी घर में जब बच्चा जन्म होता है छठी का कार्यक्रम होता है, जैसे बर्थडे का कार्यक्रम होता है, शादी समारोह में बुलाए जाने वाले लोग, और आप अगर दुकानदार हैं तो अपने ग्राहकों की लिस्ट बनाते हैं जिसमें किससे पैसा लेना है और मतलब कितने मेरे ग्राहक है, इस तरह की बहुत सारी लिस्ट जो है कि आप जो है कि हर समय बनाते रहते हैं, और आपके मोबाइल में जितने भी लोग हैं सबका लिस्ट लिस्ट में आप नाम डाल सकते हैं, सबको आप प्लान दिखा सकते हैं। इसमें होता यह है कि जब हम लिस्ट में जाते हैं अपने लोगों के साथ लिस्ट बना के जाते हैं तो शुरू शुरू में नए नए जब नए साथी हमारे साथ जाते हैं और जाने के बाद जब तीन ना के बाद जो है कि लोग क्या करते हैं, ये मेरा दोस्त था, ये इसने भी ना बोल दिया, वो मेरा भाई था, ये भी ना बोल दिया, ये बहुत अच्छा मतलब ऐसा लगता था कि ये बढ़िया ज़्यादा बातचीत करने वाला है, मेरे काम को आगे बढ़ा सकता है, इसने भी मना कर दिया, तो ऐसा हो सकता है उसको लगने लगता है कि अब काम नहीं हो सकता। और लेकिन हकीकत यहाँ पे ऐसी है कि जब तीन लोग मना करते हैं तब हम क्या सीमित हो जाते हैं, हमें वहाँ पे उसके बाद ही हम जो लिस्ट पे आगे बढ़ते हैं, हमें ना सुनने के जो आगे बढ़ते हैं वही हमारी सही लिस्ट होती है। और लिस्ट में हर समय नए नाम जोड़ना या इतनी सजगता से होने के इतनी सहजता से हम सांस लेते हैं, लोगों का नाम हमारे लिस्ट बुक में ऐसे आना चाहिए जैसे हम सांस ले रहे हैं, इस तरह आसान तरीके से हम जो है बहुत बेहतरीन तरीके से लोगों को लिस्ट में ला सकते हैं और लिस्ट में ला के उन्हें इस बिजनेस की जानकारी दे सकते हैं। किसी व्यक्ति के प्रति किसी प्रकार का पूर्वाग्रह ना रखे, मतलब कोई भी व्यक्ति के पास जा रहे हैं और पहले से हम ये सोचते जाते हैं कि ये व्यक्ति हमारे साथ आ रहा है, ये हमारा बोलताई होने वाला है, ये व्यक्ति हमारे साथ में छठवा से नौवा से होने वाला है, इस व्यक्ति के आने से हमारे पास में पेयर से होने वाली है, तो इस तरह की पूर्वाग्रह या वो व्यक्ति तो करेगा नहीं, वो व्यक्ति जो है कि बहुत ही ज़्यादा बिजी है, बहुत ही ज़्यादा मतलब उसके बारे में धारणाएं हैं, हम तरह तरह की धारणाएं रखते हैं किसी व्यक्ति के विशेष के प्रति, तो ये धारणाएं बिल्कुल भी ना रखें। हर व्यक्ति को जाके हमें ये मौका देना है, यहाँ से हम वो मौका देने वाले हैं जिस व्यवसाय के माध्यम से आज लाखों करोड़ लोग कमा रहे हैं, हमारे ग्रेट महागुरु जी ने करोड़ रुपया कमाया, बहुत सारे सपने पूरे कर रहे हैं, ऐसे प्लेटफॉर्म की जानकारी देनी है तो क्या हमें पूर्वाग्रह रखनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए।
ये बिजनेस नंबर का है, मतलब जितना ज्यादा आप लोगों को मिलेंगे, जितना ज्यादा लोगों को आप नंबर में लिस्टिंग करेंगे, उतना ही ज्यादा आपके व्यवसाय में आने की संभावना उतनी ज्यादा बढ़ जाती है। तो इस तरह आप जो है कि हर समय एक ही चीज ध्यान रखें कि अपने अपने बिजनेस की जानकारी सही नंबरिंग के हिसाब से, सही प्रॉस्पेक्टिंग के हिसाब से करेंगे तो आपके साथ में आने वाले की संख्या लगातार बढ़ती जाएगी और आप अपने बिजनेस की फैलाव तेजी से करते जाएंगे। तो ये छोटी छोटी बारीक बारीक चीजें हैं। और भी मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूँ, लिस्ट में किन लोगों को लाते हैं, टाइप ऑफ लिस्ट, हम कैसे लोगों का लिस्ट बना सकते हैं, हॉट लिस्ट। हॉट लिस्ट का मतलब है हमारे घर परिवार के लोग, हमारे चाचा काका फूफा मामा, मामा का लड़का, फूफा का लड़का और रिलेशन, ये सारे लोग हमारे साथ में क्या आते हैं, घर परिवार के लोग आते हैं। क्योंकि इस व्यवसाय से हम, इस व्यवसाय को करके हम बहुत तेजी सपने पूरे करने वाले हैं, बहुत तेजी से हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो जब हम यहाँ सपने पूरे कर लेंगे तो क्या हमें उनको बताने जाएंगे तो क्या हमें नहीं बोलेंगे कि आप जो काम करते हैं क्यों नहीं बताया। इसलिए यहाँ पे सबसे पहले हमारे सीनियर्स गाइड करते हैं कि सबसे पहले आपको जो भी चीज अच्छा लगा, अगर कहीं पे जाते हैं कोई मिठाई अच्छा लगा तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले घर वाले को देते हैं कि देखिए कितना अच्छा है। वैसे ही ये व्यवसाय जो है कि आज हमें मिला है तो हमें सबसे पहले किनको देना है, अपने अपने घर परिवार वाले को देना है, अपने रिलेशन को देना है, अपने मित्र को देना है। और ये होते हैं हॉट लिस्ट, जो सबसे पहले आपको मना करते हैं, सबसे पहले मना करते हैं कि जो है कि ये व्यवसाय जो है कि आप इस व्यवसाय में आए हैं, इस टाइप की व्यवसाय मैंने किया हुआ है और आप जो है कि मुझे मत बताइए। ऐसा ही होता है, मेरे साथ भी हुआ, जब मैं इस व्यवसाय को लेके गया लोगों के पास तो लोग ऐसा ही बोले कि ऐसा ही। तो सबसे पहले उनको हमें इससे देना है क्योंकि हम इस बिजनेस में सफल हो जाएंगे और सब सफल हो जाएंगे तब उनके पास जाएंगे तो वहां से हमें क्या मिलने वाली है, वहां से मतलब उनका गुस्सा झेलने मिलने वाला है। तो इसलिए हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि सबसे पहले अपने हॉटलिस्ट के पास में जाएं, उनको प्लान दिखाएं और उसके बाद वार्म लिस्ट, रिलेशन रिलेशन मतलब अपने भाई का पहचान वाला, अपने मित्र का पहचान वाला, वार्म लिस्ट मतलब रिलेशन का रिलेशन, इनके बाद इन लोगों का लिस्ट में लाएं। और उसके मतलब ये जो हॉट लिस्ट और वार्म लिस्ट, ये वो लिस्ट है इसमें हो सकता है 200-300 लोग हों, लेकिन उसके बाद जो बताने जा रहा हूँ आप सभी को वो है कोल्ड लिस्ट। तो कोल्ड लिस्ट जो है कि आज 1,40,00,000 की आबादी हो रही है भारत की, और हो सकती है कि हमारी जो लिस्ट है वो 500 की हो, हमारी 500 की हो, लेकिन 500 लोग अगर मना भी कर दिए, मैं बोलता हूँ मना नहीं करेंगे, 500 लोग उसको आप प्लान दिखा दे तो क्या होने वाला, उसके बारे में बातचीत करने वाला हूँ। तो यहाँ से अगर 500 लोग इस बिजनेस में मतलब अगर मना भी करते हैं तो उसके बाद जो हमारे पास जो लिस्ट बची हुई है फुल लिस्ट 3 फीट के दायरे में, जो हमारे सीनियर हमें बताते हैं जो 3 फीट के अंदर आप पास में आया वो आपको उसको हम क्या करना है, इस बिजनेस के बारे में बताना है। और वो लिस्ट है आज पूरी की 1,40,00,000 की आबादी जो है हमारे लिस्ट है। तो इसमें हम बहुत अच्छे तरीके से ये तीनों लिस्ट की मदद से बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। उसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे मेमोरी जागर, मैंने कहा गंजा, हमारे दिमाग में आया गंजा तो हमारे जो फलाना जो है कि जो दुकान वाले हैं गंजा है उनका नाम याद आया, कोई गंजा व्यक्ति या डॉक्टर का नाम लीजिए तो किसी डॉक्टर का नाम याद आया, वकील तो ऐसे कुछ जो मतलब नर्स है ना, ऐसे लोग हम नाम आता है और हम जो है कि उनको जाके अपने लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। और हर व्यक्ति को हम इस व्यवसाय की जानकारी दे सकते हैं, करना नहीं करना वो आगे की बातें होगी, इसके लिए मैं आपको और आगे बातचीत करने वाला हूँ। यहाँ पे देखते हैं स्किल, स्किल द लिस्ट, हर व्यक्ति को हम ये चेक करना चाहिए कि सोशल सबसे पहले वो सामाजिक हो, दूसरा जो है कि एजुकेशनल कुछ पढ़ा लिखा मतलब पढ़ाई लिखा किया हुआ हो, और तीसरा जो है कि फाइनेंशियल मतलब कुछ पैसे हो जो उसको खर्च करने की उसके अंदर में एबिलिटी हो, मतलब वो हर व्यक्ति जिसको हम बिजनेस का प्लान दिखा रहे हैं उसके अंदर में कुछ ऐसे पैसे होने चाहिए कि आपको वो सही डिसीजन ले सके और तत्काल आपके साथ में हमारे साथ में आ सके। उसके चौथा है मेंटल, मेंटल मतलब जो है मानसिक, मानसिक लोगों को बिल्कुल भी जो है कि जानकारी नहीं देनी है,
मतलब सर ने बोला था कि सब लोगों को लिस्ट में लाना है, तो आप देखते हैं मेंटल लोग मतलब उस टाइप के लोग जो होते हैं उनको नहीं लाना है, तो सोशल एजुकेशनल और फाइनेंशियल इस टाइप के लोगों को हम बिजनेस में लाते हैं तो बहुत अच्छे से अपने लिस्ट को अपडेट करके अपने बिजनेस को ठीक से लेके आ सकते हैं। लिस्ट में सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली बात है 150 लोगों की लिस्ट आप अगर बना लिए और निकल गए फील्ड में अपने सीनियर के साथ, 150 से ज्यादा लोगों की लिस्ट बना दिए और निकल गए फील्ड में आपके साथ, तो आपके साथ क्या होने वाला है मैं आपसे आगे बातचीत करने वाला हूँ। लिस्ट बनाते समय पूर्व धारणा न रखें, न बनाएं, है ना। लिस्ट बनाते समय मैंने बोला है कि आपको कभी भी ये नहीं सोचना है कि पूर्व धारणा बहुत सारी होती है, ये व्यक्ति पुराना व्यक्ति नहीं करेगा, ये जो है कि बहुत ज्यादा मेरी बातों को मानेगा नहीं, या ये बहुत ज्यादा इनकम करता है। आज इस व्यवसाय के माध्यम से हम चाहते हैं बिजनेस में आए हुए सभी लोग जानते हैं कि आज जो इनकम यहाँ से होती है वो हिंदुस्तान में और कहीं से अर्न नहीं कर सकते। इतनी बड़ी व्यवसाय 16 लाख महीने का व्यवसाय उनको देने जा रहे हैं, 4 लाख सप्ताह का व्यवसाय देने जा रहे हैं, तो हमें बिल्कुल जो है कि पूर्व धारणा को बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हम इस व्यवसाय के माध्यम से लोगों को अच्छी जिंदगी, उनकी ड्रीम, उनके जीवन के सारे सपने पूरे कराने जा रहे हैं। तो बिल्कुल पूर्व धारणा लेके ना जाए और हर व्यक्ति के पास जाए तो आप ही सोच के जाएं कि आज वो साइकिल में तो कल उनको मैं यहाँ से बाइक जाने वाला हूँ, बाइक में तो कार जाने वाला हूँ, कार में तो और आगे की अच्छी कार जाने वाला हूँ, अच्छा घर जाने वाला हूँ। ये सब सोच के आप जाएंगे तो बिल्कुल अच्छे तरीके से लोग से मिल सकते हैं। और क्योंकि डायमंड बनने तक अपनी लिस्ट को लगातार बनाते रहे, जब तक आप डायमंड नहीं बन जाते, और डायमंड जब तक नहीं बन जाते आप लिस्ट बनाना बंद मत कीजिए। हर समय लिस्ट, रोज लिस्ट बनाइए और रोज जो है कि आप लोगों को अपने लिस्ट में शामिल करते रहिए, और वही लोग आपको डायमंड बनाने वाले हैं, डायमंड के बाद आगे यूनिवर्सल ग्राउंड एम्बेसडर बनाने वाले हैं। तो आज मैं यहाँ से बात करता हूँ कि मैं डायमंड बनने के बाद भी अपने लिस्ट को अपडेट करता हूँ, फिर लोगों से मिलता रहता हूँ, उनको प्लान दिखाता रहता हूँ, और बहुत तेजी से ग्रोथ करना है, बहुत तेजी सपने पूरे करने हैं, तो यहाँ पे हमें लिस्ट को क्या है लगातार अपडेट करना पड़ेगा और लगातार लोगों से मिलना पड़ेगा और लगातार जो है ये मैं यहाँ पे कुछ इसके माध्यम से बताया जा रहा हूँ। लिस्ट बनाने के तरीके, फ्रेंड का उपयोग करें, फ्रेंड मतलब दोस्त भी होता है, और इसका हमें कैसे उपयोग करना है। पहला एप, एप फॉर फ्रेंड, आपके जितने भी मित्र है ना, बचपन के जो मित्र हैं, जो स्कूल मतलब जिसके साथ हम पढ़ाई किए, जिससे हम बड़े हुए, जो मोहल्ले आस पास के जो हमारे जितने भी फ्रेंड हैं, जितने भी मित्रगण हैं, उनका सबसे पहले नाम डालें। उसके बाद सेकेंड में आप डाल सकते हैं रिलेशन, रिश्तेदार, रिलेशन में किन लोगों का नाम आ सकता है। रिलेशन में जो है कि आपके चाचा का नाम आ सकता है, ताऊ का नाम आ सकता है, मौसा का नाम आ सकता है, मम्मी का नाम, मौसी का नाम आ सकता है, पूरे रिलेशन में जितने भी है, नाना नानी, सारे लोगों का नाम लिखें, इसका मतलब ये फ्रेंड का। और उसके बाद इंस्टीट्यूट, जहाँ आपने पढ़ाई किया है वहाँ के सर, वहाँ के जितने सारे सर हैं उनका नाम लिख सकते हैं। इंस्टीट्यूट जो भी आपने पढ़ाई की है, मतलब आपने इंजीनियरिंग किया है या कंप्यूटर का कोर्स किया है या टैली किया हुआ है, जो भी आपने इंस्टीट्यूट में पढ़ाई किया है वहाँ के सारे लोग का यहाँ पे आप नाम लिख सकते हैं। उन सारे लोग को अपने इसमें ला के बिजनेस की क्लास दिखा सकते हैं। एजुकेशनल, साथ में पढ़ने वाला, आपके साथ जो भी पढ़ रहे थे, जो भी साथ में पढ़ रहे थे, उन सभी का नाम लिखना है, किसी का नाम छोड़ना नहीं है, क्योंकि अगर आप नहीं लिखेंगे तो कोई ना कोई लिखने वाला है, और जब वो उनके साथ चला जाएगा तो आपको तकलीफ होने वाली है कि अगर मैं उसका नाम लिख लेता, क्योंकि उस व्यक्ति को सिर्फ आप नहीं जानते और भी लोग जानते हैं, तो आप लेट कर देंगे और उनको कोई ना कोई बिजनेस प्लान जाके दिखा देगा और उसके साथ में चला जाएगा, तो आप बिल्कुल भी लेट ना करें। जितने भी लोग जिनको आप जानते हैं फटाफट नाम लिखें और लिस्ट में, और उनको जाके प्लान दिखाएं। उसके बाद में नेबर, पड़ोसी, आप जहाँ भी रहते हैं, कोई भी शहर, कोई भी गाँव, कोई भी महिला में रहते हैं, तो आपके बगल में जो लोग रहने वाले हैं, सारे लोगों को जाके जो है कि आपको ये लिस्ट में लिस्ट बना लिस्ट में उनका नाम रखें और उनको जाके अपनी बिजनेस की जानकारी दें। डे टू डे फ्रेंड, रोज मिलने वाले, जो आप जहाँ भी जाते हैं, अपने काम पे जाते हैं, अपने स्कूल में जाते हैं, अपने जो भी आप काम कर रहे हैं उसके साथ जो भी लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, जो है, सबका नाम आपको इस लिस्ट बुक में लिखना चाहिए, और लिख के उन लोग को अपने लिस्ट को बहुत अच्छे तरीके से आप बढ़ा सकते हैं। स्ट्रेंजर, अजनबी, क्योंकि हम घर से निकलते हैं तो हमें अजनबी लोग रोज टकराते हैं, है ना, मतलब तो बड़े शहर में तो ज्यादा लोग टकराते हैं, छोटे जगह में तो कम लोग टकराते हैं, लेकिन टकराते जरूर हैं,
वो हर व्यक्ति का नाम आपको क्या करना चाहिए कि अपने लिस्ट बुक में लिखना चाहिए। और एक चीज और एक इसमें तरीका MAN, M फॉर मनी, जिनके पास में मनी और ये फॉर उसको अधिक मतलब अधिकार है ना, उसको अथॉरिटी, ए फॉर अथॉरिटी उसका अधिकार होता है उस व्यक्ति को खर्च करने का, और N, N फॉर नीडी, MAN मतलब थोड़ी सी मनी हो उसके पास में उसके अथॉरिटी को खर्च करने की, और तीसरी नीडी मतलब जरूरतमंद उसको आगे बढ़ने के लिए। ऐसे लोगों को हम अपने लिस्ट बुक में ला सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से अपने लिस्ट की शॉपिंग कर सकते हैं। ताकि लिस्ट बनाने के फायदे आप यहाँ पर देख रहे हैं। अगर आपको यहाँ से एक वर्ष में एक सेकेंड, एक वर्ष में आपको यहाँ पे एक वर्ष महीने की आमदनी का 1,35,000 का कमानी है, तो आप लिस्ट बनाने को तैयार हैं? वर्ष में मतलब अगर आपको एक वर्ष में महीने की आमदनी 1,35,000 का कमानी है शुरुआत, तो आप क्या लिस्ट बना सकते हैं? तो इसके बारे में आपसे बातचीत करना चाहता हूं आगे स्लाइड के माध्यम से। चार महीने में आपकी सफलता क्या मिलने वाली है? अगर आप मात्र 150 करोड़ का लिस्ट बनाते हैं, अगर आप एक वीक में 10 लोगों को इन्वाइट करते हैं, तो आप क्या करने वाले हैं? 10 लोगों × 15 वीक 150 लोग, लगभग 4 महीने लगने वाले हैं। औसत के नियम के हिसाब से 150 लोगों का 20% यानी 30 लोग की ज्वाइनिंग आपके साथ आने वाली है, और 30 पेयर 200 महीने के हिसाब से लगभग 15,000 रुपए इनकम यहाँ से करने वाले हैं, और 3750 शुरुआती 4 महीने के अंदर में, शुरुआती 4 महीने के अंदर में आप 3750 आप इनकम ले सकते हैं, और बहुत बेहतरीन तरीके से। आगे मैं सारी की बातचीत करने वाला हूँ, और अगले मतलब 8 महीने में आपके साथ क्या होने वाला है। अब 30 लोगों का आपके साथ जो लोग आ चुके हैं उनका 20% मतलब 20% 6 लोगों का 150 का लिस्ट, इंटू 6 लोग आपके साथ आए इस बिजनेस को पार्टिसिपेट किए, मतलब 30 लोग जो आए हैं उसमें से 20% सिर्फ 6 लोगों का 150 का लिस्ट बनवाते हैं, तो 6 × 150 लोग मतलब अब आपके हाथ में आगे 900 लोग का लिस्ट। और अगले 6 लोग एक वीक में 10 लोगों को इन्वाइट करते हैं, एक वीक में 10 लोगों को इन्वाइट करते हैं, तो अगले 4 महीने मतलब 15 वीक में 900 लोगों को इन्वाइट करने वाले हैं, और 900 लोगों का इन्वाइट और एसटीपी करके हम 15 वीक लगने वाला है लगभग 4 महीना के अंदर में। औसत के नियम के हिसाब से जब 900 लोगों को प्लान फॉलो करके हम 20% भी यहाँ पे हम बिजनेस में अगर ज्वाइन लेते हैं और गारंटी इससे ज़्यादा होता है, 180 लोग आते हैं, तो आप यहाँ से बहुत बेहतरीन तरीके से 90 पेयर का मतलब है 180 ज्वाइन डिवाइड बाई मतलब 90 पेयर आप 90,000 रुपया इनकम करने वाले हैं लगभग पर मंथ का। इस समय में आप 22,500 रुपये के महीने में आ चुके होंगे, और ये आंकड़ा तो बहुत कम है। यहाँ पे हमारे ऐसे ग्रेट टाइगर्स हैं जो इस आंकड़े से बहुत तेजी से आगे बढ़कर उन्होंने पैसा कमाया है, लेकिन मैं एक आंकड़े के हिसाब से लिस्ट के माध्यम से हम कैसे इस बिजनेस में धीरे से इनकम कर सकते हैं उसके बारे में जो बता रहा हूँ, कि हम 1,35,000 को कैसे धीरे धीरे करके आगे 12 महीने में आपकी सफलता अब 180 लोगों का, अब आपके साथ में क्या है कि 180 लोगों का आप 20% मतलब 36 लोगों का 20% लोग 180 लोगों का 20% उपलब्ध 20% देते हैं, और 36 लोगों का 150 का लिस्ट बनवाते हैं, और 36 × 150 आपके हाथ में आगे 54 लोग इसमें से आप जो है कि बहुत बेहतरीन तरीके से अगर इन 36 लोगों के साथ में भी हम वही काम करते हैं कि एक वीक लगा के 10 लोगों को भी इन्वाइट करते हैं दोस्तों, तो यहाँ से
यहाँ से हम लोग करने वाले हैं मतलब 360 × 15 मतलब 36 × 15 मतलब 5400 परिश आगे हमारे पास में 5400 लोगों को इनवाइट और एक्टिविटी करके फॉलो अप करके 15 वीक लगने वाला है और लगभग 4 महीना लगभग 4 महीना और लगने वाला है और उसके अगले 4 महीने में आप क्या करने वाले हैं औसत प्रीमियम 5400 का 20% इक्वल टू 1080 लोग ज्वाइन और लगभग लगभग 1080 लोग की ज्वाइनिंग पे आपको मिलता है 540 और इनकम के रूप में आप यहाँ पर स्क्रीन पे देख रहे हैं लगभग 135,000 का इनकम लगभग 135,000 का इनकम जो है बहुत शानदार तरीके से आप मतलब एक साल के अंदर 135,000 के इनकम में आप पहुंच सकते हैं। इतनी बड़ी सौगात देती है हमारी ये बिजनेस और जिसमें हम लिस्ट बना लिए थे और लिस्ट अगर नहीं बनाए तो अभी यहाँ से कुछ भी नहीं मिलने वाला है। मैं एकदम साफ साफ बताने वाला हूँ सभी साथियों को जितने भी लोग आज मुझे सुन पा रहे हैं जिन्होंने भी लिस्ट इस बिजनेस में आने के बाद नहीं बनाया उनके साथ बस वही है माइंड में जो लिस्ट बना के निकलते हैं लोग हमें मिलते हैं और हमारे जो नए प्रॉस्पेक्ट आते हैं शुरुआत में उनका कहना रहता है कि हमने लिस्ट बनाया है और लिस्ट कहाँ पे है माइंड पे। तो माइंड पे जो लिस्ट बनाते हैं उनकी इनकम सिर्फ माइंड पे होने वाली है। तो मैं सभी साथियों से जो आज मैं अपनी बातें यहाँ पे रखा हूँ सभी साथियों से ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पे सभी साथी अपने मैंने जो टेक्निक बताई है उस टेक्निक के हिसाब से अगर आप लिस्ट बनाते हैं तो गारंटेड यहाँ से आप बहुत बड़ी झंडे गाड़ने वाले हैं बहुत सारे लोगों को यहाँ पे डायमंड बनाने वाले अपने और अपने साथ आए हुए लोगों के सपने पूरा कराने वाले हैं। तो आप सिंसियरली उस बात को जो मैंने कहा है यहाँ से कि फ्रेंड का फायदा लें मैन का फायदा लें और लिस्ट में किन लोगों को लाना है उन लोगों को अगर लाते हैं तो एक आप यहाँ पे मैं रेसिव बताया हूँ एक महीने के अंदर में एक महीने 1,35,000 रुपया बहुत तेजी से आप कमा सकते हैं और अपने सपने को और अपने आने वाले साथियों को बहुत तरीके से गाइड करके आप उनको भी आगे बढ़ा सकते हैं। और इसके साथ आज जो है मुझे बहुत खुशी होती है कि जब भी लिस्ट के ऊपर मैं मुझे मौका मिलता है बातचीत करने के तो मैं हर समय एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि बिना लिस्ट का तो जो है कि हम घर के सामान ही ला पाते हैं बिना लिस्ट का तो हम इन्वाइट नहीं कर सकते हैं शादी में बिना लिस्ट का तो हम जो है कि बर्थडे की पार्टी में इनको नहीं बुला सकते हैं। तो यहाँ तो हम सबसे बड़ा काम जीवन का सबसे बड़ा काम अपने और अपने घर परिवार का सपने और ड्रीम पूरा करने के लिए हम जा रहे हैं इस बिजनेस में तो हमें बहुत ही सावधानी से और बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिस्ट बनाएंगे क्योंकि जितना जितना हमारा जितना बड़ा लिस्ट होगा सफलता उतनी बड़ी हमारे होने वाली है। तो यहाँ से लिस्ट का बहुत ज़्यादा महत्व है क्योंकि 8 स्टेप हमारे गुरुजनों ने बताया है जब मैंने इस बिजनेस में आया और 8 स्टेप में जो दूसरा स्टेप है ड्रीम का सॉरी लिस्ट का यही लिस्ट जिसके कारण से मैं आज यहाँ डायमंड के रूप में खड़ा हूँ और आगे अपने साथ में डायमंड की फौज खड़ा करने जा रहा हूँ। तो मैं सभी साथियों से बिल्कुल ये कहना चाहूँगा कि अपने लिस्ट को हर समय आप जो है कि सही तरीके से सही टेक्निक से अगर आप बनाते हैं तो गारंटेड यहाँ से जो है कि आप बहुत तेज़ी से अपने इनकम को बढ़ा सकते हैं अपने साथ में आने वाले टाइगरों की संख्या बढ़ा सकते हैं। तो मैं आज जो है कि बहुत शानदार तरीके से आप लोगों के बीच बातचीत करके बहुत अच्छा लगा और मेरे सभी गुरुजनों का के कारण से ग्रेट ग्रेट कंपनी टेपफॉप जिसके कारण से आज मैं आप और बातचीत कर रहे हैं कंपनी के सभी डायरेक्टरों को मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता हूं और जिसके कारण से आज हम इतने सारे लोग इकट्ठा होकर बहुत तेजी से अपने ड्रीम को पूरा कर रहे हैं। तो ऐसे हमारे गुरुजनों को हमारे डायरेक्टर को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे ग्रेट सभी सीनियर हमारे ग्रेट सीनियर मिस्टर संजय जैन सर जी ग्रेट सीनियर मिस्टर नरसिंह रेवाल सर जी और हमारे ग्रेट हमारे सभी सीनियर एसटीपी के सारे सीनियर को मैं जिनके धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिनके कारणों से इतनी बड़ी सपोर्ट सिस्टम आज काम कर रही है और जिन्होंने जो भी मैंने सीखा है यहाँ से हमारे गुरुजनों के माध्यम से सीखा है और इस बिजनेस में आने के पहले मुझे इस बिजनेस के बारे में कुछ ज़्यादा बातचीत नहीं था मालूम
लेकिन बिजनेस में आया, मैंने सीखा और सीखते हुए आज के बिजनेस में आगे बढ़ते जा रहा हूँ। और एक चीज बताना चाहूंगा कि हम सीख बिना सीखे एक साइकिल भी चला सकते हैं, लेकिन अगर सीख जाए तो हवाई जहाज में हम अंतरिक्ष में चला सकते हैं। इतनी ताकत होती है सीखने की, लर्निंग की। तो आज जो है कि मुझे इतने बड़े पैनल में आप लोग के बीच जो समय मुझे दिया गया है, इसके लिए मैं सभी सीनियरों का, हमारे डायरेक्टरों का और हमारे ग्रेट सीनियर मिस्टर नरसिंह रेवास्तव जी को दिल से धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आपके पैनल में आके मुझे ऐसा लग रहा है कि आज मैं पूरे हिंदुस्तान से बातचीत कर रहा हूँ। आज जो है मुझे जितने लोग जूम में हैं उसके बाद में हजारों लाखों लोग यूट्यूब पे सुन पा रहे हैं, और ये मौका मिलता है सिर्फ और सिर्फ आपके माध्यम से, जिसके कारण से एक छोटा सा मतलब मैंने इस व्यवसाय को चालू करने से पहले मैंने अपने बारे में बताया, नौकरी 15 साल गवर्नमेंट और सरकारी नौकरी करते हुए इस व्यवसाय में आया। वहाँ पे कुछ भी मतलब मैं हासिल नहीं कर पाता, लेकिन यहाँ से धीरे धीरे मैं करके आगे बढ़ते जा रहा हूँ। और आगे मेरा बिल्कुल जो है कि सभी सीनियरों से वादा है कि मैं बिल्कुल झंडे गाड़ के यहाँ पे तेजी से लिस्ट को बना के और बनवा के अपने साथ झंडे गाड़ के बिल्कुल जो है डायमंडों की फौज खड़ी करने वाला हूँ। और इसके साथ ही आज मेरी तरफ से जो मैंने यहाँ पे बातें बताई है, ये मैंने सीखा है अपने अपने गुरुजनों से, सिस्टम से, और जो भी त्रुटि रही होगी मेरी पर्सनल रही होगी, तो इसके साथ ही मैं आज के इस सेशन आज के इस सेशन में जो मुझे फिर से मुझे समय दिए थे, इसके लिए मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ नरसिंह रेवास्तव जी आपको और मेरे सभी सीनियरों को धन्यवाद कि जिनके कारण से आज मैं इतना काबिल बन पाया कि आपके बीच मैं बातचीत कर पा रहा हूँ और अपनी बातों को रख पा रहा हूँ। और उस परमपिता परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद जिनके कारण से आज हम लोग इस प्लेटफॉर्म के